कि हमारी राजनीतिक पार्टियां भागीदारी ना के बराबर क्यों है। इसका दोष किसी राजनीतिक पार्टी को नहीं जाता, बल्कि इसका दोष हम सभी को खुद जाता है। आपको यह भी पता होगा हमारे जो विश्वकर्मा समाज के पूरे भारत में हर जगह हर घर के अंदर राष्ट्रीय अध्यक्ष बने बैठे हुए हैं। ये बड़े दुख की बात है, एक व्यक्ति भी राष्ट्रीय अध्यक्ष है और जिसके पीछे पांच भी हैं, वो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रहा है। जब मुझे एक बात बताइए, जब सब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर बैठ जाएंगे तो समाज के उत्थान की, समाज को जमीन स्तर पर लड़ने की बात कौन करेगा। आपको समझना होगा, किसी समाज का उत्थान जब ही हो सकता है जब किसी राजनीतिक पार्टी में उसकी भागीदारी हो। आपको पता होना चाहिए हमारी भारी मात्रा में जनसंख्या होने के बावजूद भी भागीदारी ना के बराबर है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मैं आपको सभी को कहना चाहता हूं, अब समय आ चुका है अपनी ताकत को दिखाने का, अब समय आ चुका है अपनी एकजुटता दिखाने का। ये कब तक चलता रहेगा? ऐसे हम खाली वोट ही वोट डालते रहे, हमें भी तो कोई वोट डाले, हम भी तो ऐसे बने, हमें भी तो वोट डाले। परंतु दुख होता है, हमें तो खाली वोट ही वोट डालने का अधिकार अब तक दिया गया है। बाबा साहब ने कहा है कि, बाबा साहब के संविधान ने यह भी कहा है कि हमें वोट के साथ हमें भी तो कोई वोट डाले। परंतु ये जब होगा, जब आप अपनी ताकत और एकता को दिखाओगे। मैं उन सभी से कहना चाहता हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष से, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, मैं उन सभी को ये कहना चाहता हूँ, मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, समाज इस समय विकास मांग रहा है, उत्थान मांग रहा है, एकजुटता मांग रहा है, भाईचारा मांग रहा है। ये जब ही हो सकता है जब आप जमीन स्तर पर उठकर समाज के उत्थान और विकास की बात करोगे।